वहाँ तो आराम से वोट मांगते फिरे, यहाँ तो गांव में भी ना घुस पाऊ है। जो ये 7 महीने शायद जब नू कह रहे हैं ना हम गांव में पंचायत करेंगे, चाची ताई फोन करें कि काला तेल 3-3 सर्विस होली ट्रैक्टरों की, अब फेंक ना रही है, हांडी में धर रही है। मगर इसका क्या कर रहा है, कह रही उत्तों के मुंह पे मारूंगी फेंक के डिब्बा, इनका मुंह काला करेंगे भाजपा वालों का। बीजेपी ने यूपी मिशन तैयार कर दिया स्टार्ट, ये मिशन ही इंग्लैंड कर लो स्टार्ट, अपने घर बैठ के कौन रोक रहा। ये तो नू भी कह सके अगला प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हिस्सा होगा, इनके कहने से कुछ कहते हैं तो ये कुछ भी कह सकते हैं। ये तो नू भी कह रहे हैं 50 साल रहेंगे, क्यों वोट अंबानी फैक्ट्री लगा होगा बालक पैदा करने की। अरे वोट तो गांव में करेंगे लोग, 70% गांव में रहे हैं, जो घुस नहीं सकते गांव में वो वोट क्या ले लेंगे, इन्हें वोट कौन दे देगा। एक आवाज पर गांव में सब ट्रैक्टर जुड़ जाए तैयार, इनका अगर ये इनको को सद्बुद्धि ना हुई ना तो हमारी तो जैसे तैसे कट रही है। इनका क्या होगा 24 में, ये गाना गाते फिरेंगे कि अपनी तो जैसे तैसे। बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी का अरे बीजेपी को बंधक बना लिया मोदी ने, जिसने बीजेपी पार्टी बनाई वे घरों में कैद पड़े, वे उनको बोलने की आजादी नहीं है, उनको बंधक बना रखा है। मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है, और मोदी है उनका अंडादानी अंबानी का एजेंट, उनका चौकीदार, उनका नौकर। अच्छा गलती होती ना आदमी से, बालक पैदा होते समझ लो कि राम बनेगा या रावण, यो दुशासन बनेगा या दुर्योधन, हमने भी सोचा बड़ा लच्छेदार बात करे, दो बार हमने भी दी, हमने भी फंस गए इसके जाल में। ये नायक पिक्चर का हुआ है अमरीशपुरी, पहले बम लगाता है फिर निकालता है, ये नायक पिक्चर का अमरीशपुरी है। नहीं मायावती ने देखो घर जाना आना तो आपस में भाईचारा जाना आना पड़ेगा। दूसरी बात अच्छा काम करा, 80 रुपए बढ़ाए थे 2 साल में, 40 एक बार 40 एक बार, और निकम्मों ने 4 पैसे नहीं बढ़ा पाए 4 साल में, और आय करेंगे किसान की दुगनी, आय कैसे दुगनी करेंगे, हमारे क्रेडिट कार्ड होगा किसान का ब्याज 4% होएगा, 8 कर दिया सीधा डबल कर दिया, कर दी दुगनी आए, ऐसे करेंगे। ये वो मोदी है, ये अब के चुनाव में बांस भी बांट सके किसानों को के बांस लो, जब जब बरसात करनी हो घटा में हिला देना बरसात हो जाएगी। 2 करोड़ की जमीन खरीद दी 10 बजे 11 बजे 18 की बेच दी, घोटाला थोड़ी क्या है, इनसे नु पूछ के इनके कान पकड़ के नु पूछे कोई भ्रष्टाचारी हो, अरे कितने गुना हो गया, मंदिर के पैसे भी खा गए। ये इस देश में कुछ छोड़ने वाले, राम को ये खाएंगे, राम के नाम को खा रहे हैं, मंदिर के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। मंदिर तुम्हारे दिलों में, हर हिंदू के मंदिर हमारे घरों में, सवेरी हाथ जोड़ ले किसान, हल हल लेकर जाने से पहले 4 बजे उठता है, ये कम से कम केवल केवल ढोंग करके बाजीगर की तरह पब्लिक को बेवकूफ बना के देश को लूट रहे हैं, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि जो घोटाले कर रहे हैं उनकी हम हिस्ट्री पूछ रहे हैं, अरे चोर पकड़ा गया जेब काटता हुआ, यो पकड़ा गया चोर, ये कहेंगे इसका तो धन बहुत है, यो जेब क्यों काटेगा, अरे जेब कतरा होता है, चाहे लखपति हो चाहे अरबपति हो, ये है जेब कतरे लुटेरे चोर, इन्हें सुधर जाना चाहिए। और नहीं तो ये जनता वो है, इन्होंने अंग्रेज सुधारे, इन्होंने मुगल सुधारे, इनकी तो बिसात क्या है, जिस दिन जाएंगे सारी जनता चलेगी दिल्ली की तरफ। और सुनो ये वो भारत देश है, यहाँ जर्नल डायर से हिसाब किताब इंग्लैंड से भी कर लाए थे, अगर कहीं और चले गए ना हिसाब किताब उधम सिंह वहां भी करने जाएगा। कोई मीटिंग वीटिंग करके संयुक्त मोर्चा खास निर्णय लेगा, इनका इलाज करना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ दवाई ढूंढेंगे इनकी। ये देखिए लोकतंत्र में ज्ञापन भी नहीं लेंगे, क्यों हिटलर की सरकार चल रही है, चुनी हुई। कहा जा रहा उत्तराखंड में तो गिरफ्तारी भी हुई बताई है। हाँ छोड़ देंगे गिरफ्तारी व्यवस्था तो एक दो घंटे को ड्रामा सा करते ही हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, परंतु इन्हें दिमाग ठीक करके ज्ञापन तो लेना चाहिए था, अपनी बात तो किसान कह ही सकता है। अरे राष्ट्रपति को भेज देते, इन्हें क्या इनकी क्या ओवर टाइम लग रहा था उसमें, अरे 10 मिनट का काम था, ज्ञापन लेते भेज देते, पर नहीं मुठमर्दी दिखाएंगे ना। अभी देखिए अभी किसान का जिस दिन नंबर आएगा, अभी तो क्या मलेरिया किसान 7 महीने इनकी चल, ये बेचारे दबाव में है बम्बई वालों के, ये फोन करते हैं कि कानून उल्टा तो नहीं ले लोगे, ये कहें नहीं बाबूजी, ये बेचारे बीच में फंस गए हैं, यहाँ तो किसान बैठा लठ लिए गामों में, वहाँ तो इनकी एंट्री नहीं, उधर बम्बई से फोन आ जा कि बेटा वापस तो ले रहे हो, नहीं बाबूजी ये बीच में फंस रहे हैं, अगर कानून उल्टा ले तो उनका एडवांस वापस करना पड़ेगा, खर्च कर लिया, अब इनका चकचुंदर फंस गई गले में, अब करें तो करें क्या। सफलता बहुत मिल गई, सफलता इतनी मिल गई 7 महीने कट गए, आल लग रहा है एग्जाम, 22 वाले को दे देंगे एक डोज तो वैक्सीन की तैयार कर रखी है, दूसरी डोज दूसरे देंगे बड़े वाले को 24 में, सफलता ही तो है।
अब जिला पंचायत का चुनाव हुआ, कितने परसेंट पे डाला असर? आज यहाँ गाजियाबाद में पंचायत की तुलना आप उनसे मत करें विधानसभा के चुनाव। क्यों? वो सेमीफाइनल था, फाइनल अब हो जाएगा 22 में, तुलना क्यों नहीं है? वोट तो हमने गिरी, अब भी हमने गिरी बीजेपी। अरे मुजफ्फरनगर से न जीतते पूरी यूपी में, आपने अभी दिल के टुकड़े हजार हुए। धीरज लाठियान चुनाव हार गया जिला पंचायत का। अरे वो जिला पंचायत हमारा पार्टी नहीं है, लड़ाती नहीं है, व्यक्ति का चुनाव है, लड़ लिया हार लिया अलग बात है। सहारनपुर से लेकर मत तक बाराबंकी तक दिल के टुकड़े हजार हुए कि यहाँ गिरा कि वहाँ गिरा। किसान सारी सीटों पर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं 5 या 10 सीटों पे बस। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लोग तो नूबी कह रहे हैं कि खेला हो बे और बंगाल में 200 पार जाबे, कहाँ गई? इनके कहने से मान लेंगे? ये तो झूठे नूबी कह सके कि इनके एक न्यूज 24 पे एक एंकर बोल रही, क्या नाम है, सोनू या सानू, कह रही 4 लाख लोगों को 4 लाख के हिसाब से मुआवजा दिया गया कोरोना में, तो 16 लाख करोड़ का कर्ज होगा देश पे। ये ट्यूशन लगा ले, ये पढ़े लिखे अनपढ़ को दे दिया देश चोरों को। 4 लाख को 4,000 से 4 लाख से गुणा करो 4 करोड़ को, तो कितने बैठे हैं? 16 लाख करोड़ बैठे हैं। इनकी गिनती फेल, इन्हें पता सता कुछ है नहीं। आवे टीवी पे भोंक के भाग जाऊं, वो तो अच्छा हुआ सुधीर चौधरी ने पकड़ ली, बोले रुक 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 आंकड़ा सही दे, इन्हें ना पता सता कुछ भी। इलाज वोट से मशीन पे बटन दबा के गांव में खाट गिर के गली पे लठ लेके बैठ जाएंगे, भाजपा का जाओगे मगर जा राम राम जी वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। मोदी जी वोट मांगना आओगे, लोग टीवी फोड़ देंगे लोग। योगी जी आएंगे तो, योगी जी महाराज जी तो बिचारे के बीच में फंस गया। ये नु कह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री तू, वो रात को सोचा है कि जनता वोट ना दे रही, फिर सोचा कर ये बनाई दे, वो बेचारा सपनों में खेल रहा, उसे वो ना घर का रहेगा ना घाट का, वो मुख्यमंत्री भी ना रहेगा। जनता आप जिता लेगी, वहाँ किसने जिताया बंगाल में? हमने कहा नुके ममता को वोट दे दो, हमने कहा इन चोरों को मत देना, इन्होंने हमारी भैंस खोल ली। दूसरे गांव में बता का हम कि हमारी भैंस खोल ली चोरों ने, तुम मत खुलवा लियो, अपनी चोर है। जिस हावड़ा ब्रिज के नीचे बैठ कर नुका होगा, हमने मच्छी बेची थी 30 साल, उसी को बेचेगा, उसी हावड़ा ब्रिज को बेच के आएगा। ये वो कालिदास है जिस डाली बैठेगा उसी को काटेगा, ये इस देश को खत्म करके जाएगा। ऐसा खराब आदमी आ गया इस देश में प्रधानमंत्री बन के, और अपने स्वार्थ के लिए। एक बार बताओ पुलवामा की जांच को इस एजेंसी ने करके उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला, फांसी क्यों दी भाई? क्यों नहीं दी? क्योंकि इन्होंने नहीं कराया था ना खेती, तो ये पूंजीपति घर गिरवी धरने जा रहा है, खेती पे तो इसकी नजर है। अरे हम आर अगला सुनो, अभी इसने संकेत दे दिए, अब क्या महिलाओं के गहने उतरवाएगा? नू कह रहा था टीवी पर आके कि देश में जब युद्ध होता था महिलाएं गहने दान कर देती थी, तेरी निगाह इसकी निगाह गहनों पे, अब क्या इन महिलाओं के गहने पिएगा? ये पहले संकेत दे दे, क्योंकि हमने देश की सरकार हमने लुटेरों के हाथ में सौंप दी। अब देखो पेट्रोल पंप लिखा रहा है, हम भी इस गाड़ी में ट्रैक्टर में तेल ले में, उस पर हटा के लिख दे मोदी लूट केंद्र। कम से बता करे ये गोदी मीडिया वाले, ट्रैक्टर कम से थोड़े फालतू से कर दिए, अब ये नुकाल लगेंगे फालतू है, फिर अब कम कर देंगे कल से, हम तो उनके हिसाब से चल रहे हैं, ये तय कर रहे हैं, ये कम बता मैं तुम फालतू कर दे, अब फिर क्या होंगे, फिर आ जाएंगे दोबारा। हाँ देखिए ये कुछ चैनल ऐसे हैं जैसे भांड भारत, भोंकता है कुत्ता पूछता है भारत, अरे वो हिंदुस्तान वाला, ये तो सरकार का काम कर रहे हैं, इनकी जमीर गुलाम हो चुका, इनकी आत्मा मर चुकी, ये कुछ भी बोल देंगे, परंतु जब इन्हें पता चलेगा जब तक नहीं सुधरेंगे, क्योंकि मीडिया का काम होता सच सवाल करना, सच दिखाना, जब तक इनके पोता पोती होकर थप्पड़ मार के ना बैठाओगे घर कि बाबा बहुत झूठ बोल लिया तूने, जब यहीं बैठ कर देश बेच दिया, इनका उस वाला काम है। अब करेंगे कुछ नहीं, कान पकड़ेंगे घुमा के, सीधा ना पकड़ते हैं घुमा के पकड़े हैं, नुका मैं तैयार है तो लिपस्टिक लगा रहा पाउडर लगा रहा, आ जा टाइम बता जगह बता दिन बता, वहीं पहुंच जाएगा ये किसान झूठ बोलने की बात है। हमने चिट्ठी भी लिखी हमारे संयुक्त मोर्चा ने, उसका आज तक कोई जवाब नहीं, बस टीवी आके बोल जाएंगे 10-15 हम तैयार है तो सज रहा है क्या? टीवी भी बोलने के लिए आते टीवी पे हाँ। नहीं टीवी पे अगर नहीं बात करनी है तो 2 मिनट का काम है, कॉल कर अभी बता दे कहाँ कौन से भवन में मिलेगा, वहीं पहुंच जा किसान। इनका बड़े वाला बागड़ बिल्ला भी कह रहा था 5 महीने पहले 4 महीने पहले कि दिल्ली सरकार 1 कॉल की दूरी पर, नंबर बताता नहीं, अपने घर में जाऊंगा, हम तो पड़ोस के गाँव में क्या कहे थे, तुम्हारा गाँव है यहाँ तो हम बैठे हैं लठ लिए खाट बिछा के, यहाँ किससे कहने जाएंगे, यहाँ तो गाड़ी उल्टी चलिए। इस देश में MLA की ये औकात है कि किसी के जन्मदिन में झंडा लगा के नहीं जा सकता, टीवी पे दिखाए जाए बस। इतना डरा दिया तुमने, डरा नहीं दिया, अधिकार है हमारे घर के गेट हम नहीं खोलते, वे अपने आप ही देखो चोर के पैर नहीं होते, बिल्ली भी अगर रसोई में गिलास
गिरा दे तो चोर भाग जा के मालिक जाग गया। ये नूडर रहे, तुमने कर्म तो खराब कर रखे हैं, गांव वाले हिसाब मांगेंगे दोगे क्या? एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, पर मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं। एमएसपी पे भाव बढ़ाएंगे ना, मिलता था मैं है नहीं, तू बढ़ा मत भैया, हमारे वही दे दे 1975 उसकी गारंटी दे दे। मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी इतने भी पाप मत कर कि लोग आप अपने किसी बालक का नरेंद्र नाम धरने से भी बचें। कोई नरेंद्र नाम धरे पड़ोस की औरत झाड़ू लेके ना आ जा कि इसका नाम मत धर नरेंद्र, इतना भी नाम गंदा मत कर, ये कहना चाहूंगा मैं। आत्मा तेरी मर गई है, उनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ बंबई वालों की, और जनता के लिए बना था, जनता के लिए आ जा, माफी मांग इस देश से, अगर मेरे से गलती होगी कानून बना के, फिर तो कानून उल्टे ले जब तेरे पाप का सुधार होगा, और अपने कानून उल्टे ले जाए। डीजल खरीदे 90 रुपए, क्या कर दिया देश में? कोरोना चला, ऑक्सीजन नहीं थी, अस्पताल में दवाई नहीं थी, 2000 का इंजेक्शन 40000 का बेचा इन्होंने, इन्होंने क्या कर दिया? किसी का किराया इन्होंने छोड़ा नहीं, फीस इन्होंने माफ करी नहीं, तेल के भाव इन्होंने बढ़ा दिए, और फिर कहते हैं टीवी पे बोल के हरामी के मोदी जी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, क्यों? किसी फील्ड में कबड्डी लड़ रहा? अरे जनता खुद ही लड़ रही है, खुद ही मर रही है। इस देश में वो संकेत दे देता पहले कि आत्मनिर्भर बनो, इसका मतलब अपने आप करो, सरकार कुछ नहीं करेगी।